हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजियन सर्जन एंड पेट कंसल्टेंट। डॉक्टर राहुल पेट केयर सिस्टम में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सीजनल चेंज अभी आया है, तो सीजनल चेंज के टाइम पे डॉग के जो प्रॉब्लम रहती है, स्पेसिफिकली खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर डॉग जो फूड होती है हम डॉग को देते हैं तो डॉग वहाँ पर रिफ्यूज कर देता है, तो इसके क्या रीजन है? अगर आपके डॉग ने खाना बंद कर दिया है तो उसके बारे में आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज हम आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं तो यूज करने के बाद आपके डॉग इजीली बहुत इजीली खाना चालू करें। तो फ्रेंड्स, बने वाला लास्ट तक, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सब्सक्राइब देखने। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सीजनल चेंज जब भी आता है तो डॉग का खाना खाने का मूड जो है हमेशा चेंज होता है, कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस आती है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा जज करना पड़ेगा कि डॉग की एपेटाइट यहाँ पर चेंज हो गई है क्या, या फिर डॉग को कुछ इलनेस है क्या, वो भी देखना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, डॉग को कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं पर पेन होता है, या फिर कभी लीवर की प्रॉब्लम आती है, कभी किडनीज के भी इशू आते हैं, तो हमें डॉक्टर को दिखा के यहाँ पर उसको जज कर लेना है कि इसकी एग्जैक्ट क्या इशू आ रही है। एक या दो दिन अगर डॉग खाना नहीं खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अच्छे से ठीक हो जाते हैं। कभी कभी डॉग की डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो डॉग घास खाते हैं, वो उसके बाद उसको ओमिशन स्टार्ट हो जाती है और डॉग अपने आप को खुद अच्छी तरह से ठीक कर देते हैं। तो ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इसके एपेरेट का ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी कभी डॉग में डेंटल की इश्यूज आती है, ठीक है, दांत की इश्यू आती है, कभी कभी दांत टूट जाता है या फिर दांत वही होकर हिलना स्टार्ट होता है तो डॉग को पेन होता है वहाँ पर, या फिर कभी कभी अंदर में बहुत सारी स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी ट्यूमर भी डेवलप होता है जिसे हम जिंजिवाइटिस भी कहते हैं, यानी ओरल कैविटी का इन्फेक्शन जो हो जाता है, उसी वजह से भी डॉग को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज यहाँ पर होती है, रिसेंटली अगर आपकी पपीज है या फिर कोई डॉग है उसका वैक्सीनेशन अगर हो चुका है तो उस टाइम पे भी टेम्पररली एक या दो दिन डॉग को थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं और एपेटाइट उनकी यहाँ पर कम हो जाती है। तो और चौथी चीज आप ध्यान रखिए, अगर आपने डॉग को ट्रैवल अगर कहीं करवाया है या फिर डॉग को अनयूजुअल प्लेसेस पर अगर चले जाते हो तो डॉग को यहाँ पर फीडिंग की जो हैबिट रहती है डॉग को ठीक तरह से नहीं हो पाती है। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फसी ईटर्स, ओके, ठीक है, या फिर पिकी ईटर्स। बहुत बार हम डॉग हमारे जो होते हैं हम हाथ से उनको खिलाते हैं या फिर बहुत बार हम उसको अलग अलग ट्रीट देते हैं तो डॉग जो होते हैं ना दे आर गोइंग टू जज अवर मेंटेलिटी, ओके, वो देखते हैं, वो थोड़ा सा पेशेंस देखते हैं कि हमारी यहाँ पर हमारा ओनर को अगर हमने ये अगर नहीं खाया तो हमें दूसरा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसा आप अगर डॉग आपके पास है तो उसका रेगुलर फूड इसको देने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। देखिए, जनरली अगर एक या दो दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन थर्ड फोर्थ डे से खाना अगर नहीं खा रहा है तो वहाँ पर आपको डॉग को नियरेस्ट वेट के पास लेके जाइए, उसका जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है यू कैन गो फॉर द एक्सरे, या फिर आप सोनोग्राफी भी करके वहाँ पर अगर अल्ट्रासाउंड करके भी आपके डॉग की एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, देखिए जो पिकी ईटर डॉग्स है उनके जो भी ट्रीट्स होती है ट्रीट सबसे पहले हमें यहाँ पर डॉग की बंद कर देनी है। दूसरी चीज़, आपके डॉग की मील्स जो होती है, ठीक है, फीडिंग की मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये रेगुलर टाइम पे वहाँ पर रखिए ताकि डॉग को आराम से यहाँ पर भूख लगे और उसका एक टाइम बाउंड शेड्यूल हो। तीसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, डॉग को हमें यहाँ पर जब भी आप खाना खिला रहे हैं उसके आधे घंटे पहले आपके डॉग को वहाँ पर वॉक पे लेके जाना है और उसके बाद ही उसको फूड खिलाना है ताकि उसको भूख अच्छे से लगे। उसके बाद फ्रेंड्स, तो डॉग को रेगुलर अगर खाना दे रहे हो, आपके पास 2-3 डॉग्स अगर है वहाँ पर डॉग खाना अगर नहीं खा रहा तो उसको साइड में जाके अलग से वहाँ पर आप खाना खिला सकते हो ताकि, और उसको आप डॉग के साथ थोड़ा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर भी डॉग अच्छे से खाना खाना चालू कर देते हैं। और लास्टली, अगर आपका डॉग थोड़ा आपको सीक लग रहा है तो आपके डॉग को आप अपने हाथों से भी खाना खा सकते हैं, तो इजीली आप डॉग खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर डॉग के कुछ इशू है तो हमने इस पर सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है, आपको कौन सी मेडिसिन यूज करनी है इसके बारे में हमने बताई, ये वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पेट की कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपिनियन के लिए देख रहे हो तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद इस तरह से हम क्यू आर कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।